का महामंत्र बता रहा हूं, अगर आपको इस बिजनेस के अंदर यूनिवर्सल क्राउनोमीटर बनना है, अगर आप रोजाना अपने अपलायंस से 10 से 15 मिनट बात करते हैं, आप इस बिजनेस में अरबपति बन सकते हैं, अरबपति। इस बिजनेस के अंदर भाग जाने का, इस बिजनेस में नेगेटिव हो जाने का, इस बिजनेस में काम रुकने का एक ही कारण है कि जब लोग अपलायंस से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जब अपलायंस का फोन उठाना बंद कर देते हैं, जब अपलायंस को फोन करना बंद कर देते हैं। ये मैं महामंत्र बता रहा हूं, उतार चढ़ाव मेरे साथ में भी आए, ऐसा भी समय रहा महीनों महीनों तक मेरा चेक नहीं था, साल साल भर तक मेरा चेक नहीं था, डेढ़ डेढ़ साल तक मेरा चेक नहीं था, तीन तीन साल तक बिना चेक के काम किया, चेक नहीं था, समोसा खाने के लिए भी पैसा नहीं थे, फंक्शन में जाने के लिए एंट्री पास के लिए पैसा नहीं थे, पेट्रोल के लिए पैसा नहीं थे, लेकिन एक चीज कभी बंद नहीं हुई और वो थी रिपोर्टिंग। मैं जिंदा हूं मां गुरु जी, ये मैं रोज बताता था, मुझे डायमंड बनना है, ये मैं रोज बताता था, मैं डायमंड हूं इस बिजनेस के अंदर। फर्क नहीं पड़ता कि 6 महीने में कितना काम हुआ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं आज तो डीडी आई नहीं, आज क्या फोन करूं। फर्क नहीं पड़ता डीडी आई कि नहीं आई, तुम चिंता तो हो, बस आप अपलायंस को फोन करो, अपलायंस को फोन करो। मैं जिंदा हूं गुरु जी, मुझे डायमंड बनना है। कौन कौन कसम खाता है आज के बाद टेलीफोन आएगा, टेलीफोन आएगा, टेलीफोन आएगा। आज यहाँ पे विकास जी बैठे हैं, ये बात एक बार 2009 में समझाई थी, आज तक कभी अर्जेंट काम होगा तो मुझे फोन करना पड़ा होगा, अदरवाइज रिपोर्टिंग लेने के लिए कभी फोन नहीं करना पड़ा। टाइगर ने हमेशा अपनी तरफ से फोन करके रिपोर्टिंग दिया। महागुरु जी आज की रिपोर्टिंग ये है, आज की रिपोर्टिंग ये है, और आज रिजल्ट आपके सामने है। आज सैकड़ों डायमंड बना करके खड़े कर दिए, सैकड़ों डायमंड। विकास जी चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहे हो, पोस्टिंग चली गई जेएंडके के अंदर, मोबाइल नहीं था पास में, लेकिन कहीं भी जाकर के, कैंप में जाकर के, कैसे भी ढूंढ के फोन जरूर किया कि मां गुरु जी आज की रिपोर्टिंग ये है। जम्मू कश्मीर में जाने के बावजूद भी एक चीज जो आज तक रुकी नहीं, रिजल्ट आए ना आए, काम हुआ नहीं हुआ, रिपोर्टिंग नहीं रुकी। आप में कौन कौन इस बात की कसम खा रहा, रिपोर्टिंग आएगी, पीएआर पर काम होगा, और अगर ये करने से अगर आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे रॉयल एंट्री ले सकते हैं, अपने परिवार को ये सम्मान दिला सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, तो बताओ करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं।